एक्सप्रेस आप पहुंची है हुरिया विधानसभा क्षेत्र, जहां 85,000 मत हैं मुस्लिम मतदाताओं के और कमोबेश सबकी नज़र इसी पे टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि आखिर मुस्लिम मतदाता किसके साथ जाते हैं। हालांकि ये भी बताया जाता है कि रफीक आलम किस्मत आजमा रहे हैं हाथी छाप से बासपा से। आइए जानते हैं, हम जनता का मिजाज जानेंगे, भैया का जनता क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? तो प्रसाद जी, इस बार क्या लग रहा है, आप किसके वोट देंगे? आप बासपा को वोट देंगे। बासपा को क्यों? अभी आपके सांसद कौन है? सांसद तो अभी हमारे अभी आपके सांसद कौन है? अजय प्रकाश यहाँ अभी तो निवर्तमान सांसद है जयप्रकाश नारायण यादव। क्या इस तरह से कहा जाता है कि माई साइन किरण के तरफ से आप लोगों को पूरी तरह से वोट देंगे? जब हमारे मुसलमान का कोई नेता नहीं था तो इसलिए माई साइन किरण था। अभी हमारे बीच में रफीक साहब आए हैं इसलिए अभी माई साइन किरण। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बशार। कहाँ के रहने वाले हैं? आपका क्या नाम है? तो इस बार 18 को चुनाव है, आपको पता है? जी सर। तो क्या लगता है किसे वोट करेंगे इस बार आप? बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद रफीक आलम को। रफीक आलम को क्यों वोट देते हैं? बहुत ही अच्छा नेता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुमान आलम। आप आ जाए सर, आप आगे आ जाए। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद यूसुफ। तो यूसुफ जी, 18 को चुनाव है, आपको मालूम है? तो क्या किसे वोट देंगे? हम मोहम्मद रफीक आलम को देंगे। रफीक आलम को क्यों वोट देना चाहते हैं? पहले का नेता था जयप्रकाश यादव, उन्होंने इस इलाके में कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूसुफ। कहाँ के रहने वाले हैं सर? तिलवारी का। ये कौन सा प्रखंड में आता है सर? धरिये प्रखंड में। आप आ जाएंगे सर। आपका क्या नाम हुआ सर? मुख्तार। तो मुख्तार जी, 18 को चुनाव है। हाँ। तो इस बार किसे देंगे वोट आप? हम देंगे रफीक आलम। रफीक जी को क्यों वोट देंगे आप? वो हमारा घर का नेता है, सब दिन आगे पीछे किया है, घर गाँव का है, वो बाहरी है, कभी आज तक लोग ले नहीं आया। क्या नाम है आपका?